Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है दोस्तों। तो आप सभी के लिए ये स्पेशल सीरीज दोस्तों हम लोगों ने शुरू कर दी है। अब आज से ये सीरीज के द्वारा दोस्तों आपको मिलने वाला है सभी स्टेट का यहाँ पर धमाकेदार जी के दोस्तों। हर एक स्टेट के वासी को मैं फील कराऊंगा, गर्व का एहसास कराऊंगा, क्योंकि हम सभी प्रदेशों की ऐसी ऐसी खास खास बातें हैं जो शायद हमको दोस्तों नहीं मालूम है। जब वो पता लगेंगी तो हम गर्व करेंगे अपने प्रदेश पर दोस्तों, अपने देश पर गर्व करेंगे। चलिए तो दोस्तों इस धमाकेदार सीरीज में, इस इंटरेस्टिंग सीरीज में आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के साथ। मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम लोग दोस्तों सारी बातें करेंगे, हर प्रकार की यहां पर जो बात है उत्तर प्रदेश की उसको यहां पर लेके आएंगे। आपके एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके भी यहां पर होगा और तमाम तरह के और भी पॉइंट्स दोस्तों यहां पर हम देखेंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ इस सीरीज में। चलिए तो शुरुआत करेंगे दोस्तों आज की इस सीरीज को। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ जनरल फैक्ट्स की, हम लोग यहां पर बात करेंगे जो हम सभी को पता होने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जानकारी से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग यहां पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर जितनी भी दोस्तों आप लेक्चर ले रहे हैं उन सबका पीडीएफ जो है वो आपको इस ग्रुप पर मिल जाएगा। तो @shubhamsir_testbook ये ग्रुप दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर आपको केवल क्या करना है, सर्च करना है @shubhamsir_testbook और वहां से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। सारी पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी और सभी तरह के डाउट आप मुझसे मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं अपने, मुझसे सीधे दोस्तों आप जुड़ सकते हैं, सीधे आप लोग इस ग्रुप पर दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों साथ में कुछ जानकारी आपको और भी दे दूं मैं। एक जानकारी आपके लिए है कि यहां पर आपके लिए टेस्ट बुक पास दोस्तों जनरेट करा गया है। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर उसकी प्रैक्टिस दोस्तों नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी आपको फायदा दोस्तों यहां पर नहीं होगा। तो टेस्ट बुक पास आपके लिए बनाया गया है जिसमें 26,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं जो 400 एग्जाम से भी ज्यादा में काम में आएंगे। दोस्तों इस ग्रुप को दोस्तों, इस टेस्ट बुक पास को आज ही यूज कीजिए, आज इसको परचेस कीजिए। और दोस्तों यहां पर भी आप एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं SUAPASS, ठीक है। इस पास का दोस्तों, इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और यहां पर दोस्तों टेस्टबुक पास पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर इस कोड का दोस्तों यहां पर आप इस्तेमाल करते हैं। साथ में दोस्तों एक चीज और भी आपके लिए, वो है दोस्तों एसएससी सीरियल का 2022 का फाउंडेशन बैच दोस्तों, ये भी शुरू हो चुका है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीरियल 2022 की तो जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों इस बैच को, जिसमें आपको मिलेंगे 400 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस, 400 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट, 50 से भी ज्यादा टेस्ट और दोस्तों 150 से भी ज्यादा आपको मिल जाएंगे पीडीएफ नोट्स। तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आप जुड़ गए दोस्तों एसएससी सीरियल से। अगर आप निकालना चाहते हैं 2022 में अपना सीरियल का एग्जाम तो दोस्तों यहां पर जरूर जरूर जुड़िए इस बैच से दोस्तों। चलिए अभी जानकारी के बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे लाइब्रेरी की, मैं आपको और दे दूं इंफॉर्मेशन। यहां पर दोस्तों testbook.com पर फ्री लाइब्रेरी आप एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर लाइब्रेरी है जहां पर आपको दोस्तों कई तरह के एक्सटर्नल लेक्चर मिल जाएंगे, वीडियो लेसन मिल जाएंगे और साथ में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे। तो आज ही ज्वाइन कीजिए दोस्तों इस लाइब्रेरी को। चलिए तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ और जानते हैं यूपी के वो धमाकेदार फैक्ट। चलिए सबसे पहली कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों यूपी के बारे में। तो यूपी की अगर बात करें दोस्तों तो 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी। याद करिए 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी। कैपिटल की बात करें सभी को मालूम है लखनऊ है, लार्जेस्ट सिटी की बात करें कानपुर है और डिस्ट्रिक्ट यहां पर याद करिए 75 डिस्ट्रिक्ट दोस्तों कुल मिलाकर यहां पर अपने उत्तर प्रदेश में है। अगर बात करें दोस्तों तो गवर्नर की बात करें आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री की बात करें तो अपने योगी आदित्यनाथ जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ये दोस्तों दो यहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां पर हैं, आप लोग याद कर लीजिए। अब यहीं पर दोस्तों देखिए दो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यूपी की विधानसभा में तो यहां पे कुल सीट हो जाती है दोस्तों 403 और अगर विधान परिषद की बात करें तो कुल मिलाकर 100 सीट दोस्तों यहां पर देखने को मिलती है। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर पार्लियामेंट्री की बात करें तो यूपी से राज्यसभा सीट की बात करें दोस्तों कुल मिलाकर 31 सीटें हैं और यूपी से लोकसभा सीट की बात करें तो कुल मिलाकर 80 सीटों पर यहां पर सांसद दोस्तों चुने जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे दोस्तों आने वाले जो एग्जाम है वो यूपी के ही एग्जाम है जहां पर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। इनको आप लोग यहां पर दोस्तों जरूर जरूर याद कर लीजिए। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों अपना जो उत्तर प्रदेश
प्रदेश है उसको बनाया गया था, स्टेट्यूट हुआ था। इससे पहले वो यूनाइटेड प्रोविंसेस में आता था, यानी संयुक्त प्रदेश में आता था। 24 जनवरी 1950 को बनाया गया, इसीलिए 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस भी दोस्तों मनाते हैं। ठीक है, लखनऊ कैपिटल है, कानपुर बड़ा सिटी है, 75 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। योगी आदित्यनाथ है यहाँ पे मुख्यमंत्री और गवर्नर हो गई है आनंदीबेन पटेल। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। और दोस्तों सीटों के बारे में आप लोग याद कर लीजिए, विधानसभा की सीटें हैं 403, काउंसिल यानी विधान परिषद की सीटें हैं 100, राज्यसभा से यहां पर जाते हैं 31 लोग, और लोकसभा में यहां से उत्तर प्रदेश में जाते हैं दोस्तों 80 लोग, 80 सांसद यहां से दोस्तों चुनकर जाते हैं। इसको यहां पर दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर कुछ विशेष बातें हैं, सिंबल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, सिंबल्स की बात कर लीजिए। तो सिंबल में अगर मैमल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो मैमल है दोस्तों वो बारह सिंगा होता है, याद कर लीजिए बारह सिंगा। और उसका ये वैज्ञानिक नाम दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है रिकवर्स ड्यूवसिली। ये दोनों बातें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश का पशु है, जो राज्य पशु है, वो बारह सिंगा है दोस्तों, और यहां पर उसका वैज्ञानिक नाम भी लिखा हुआ है रिकवर्स ड्यूवसिली। ये दोस्तों यहां पर इसका नाम है, इसको यहां पर याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर ही हो जाता है। साथ में अगर बात करें दोस्तों बर्ड की, तो बर्ड भी देखिए सारस क्रेन जो है वो राज्य पक्षी है, यहां पर राज्य पक्षी जो है वो सारस क्रेन है। इसका भी यहां पर वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है एंटीगोन एंटीगोन। ये दोस्तों यहां का राज्य पक्षी है, इसको भी यहां पर आप लोग याद जरूर कीजिए। फ्लोर की बात कर लीजिए तो पलाश जो है वो दोस्तों यहां पर राज्य फ्लावर है, राज्य का पुष्प है, राज्य पुष्प है। और ट्री की बात करें तो दोस्तों अशोक जो है, अशोक का वृक्ष जो होता है वो उत्तर प्रदेश का यहां पर दोस्तों राज्य ट्री है। ये दोनों बातें आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कथक दोस्तों देखिए, कथक, कथक में बहुत कंफ्यूजन होता है। कथक हम लोग केरला से बोल देते हैं जबकि वो कथकली है, केरला वाला जो है वो कथकली है। ठीक है, कथक जो है दोस्तों ये यहां पर उत्तर प्रदेश का ही स्टेट डांस है, याद कर लीजिए। और यहां का जो स्टेट स्पोर्ट है वो दोस्तों फील्ड हॉकी है। ये कुछ बातें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर दोस्तों आप लोग बात याद करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों ये बनाया गया था उत्तर प्रदेश, और उसके बाद दोस्तों यहां पर हमने बाकी चीजें याद करी है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में यहां पर बनते हैं, इनको यहां पर दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 75 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनका नाम मैंने यहां पर दिखा दिया दोस्तों, जो कि 18 डिवीजन में डिवाइडेड है। ये 75 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से जो 18 डिवीजन है दोस्तों उनके नाम मैंने यहां पर दिखा दिए दोस्तों, ये 18 डिवीजन है। हालांकि अपने एग्जाम में डिवीजन के नाम नहीं आते हैं, ना ही डिस्ट्रिक्ट के नाम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर दोस्तों यहां पर मैंने दिखा दिया कि 18 डिवीजन में अपना उत्तर प्रदेश जो है वो बटा हुआ है। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों आगे कुछ और पॉइंट्स की जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और वो है दोस्तों यहां पर देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने और यहां पे गिना दिए आपको। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहां पर हिंदी यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा दोस्तों उर्दू है, अवधी है, बुंदेली है, भोजपुरी है, ये कई सारी भाषाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दोस्तों बोली जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज की तो दोस्तों वो हिंदी यहां की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर धर्मों की बात करें तो यहाँ पे लगभग सभी धर्म के लोग रहते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, सिख रहते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो मोस्ट पॉपुलस जनसंख्या वाला, यानी मोस्ट पॉपुलस स्टेट है ये, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्टेट है। लगभग 20 करोड़ लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दोस्तों रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि कई देशों की जनसंख्या मिलाकर भी 20 करोड़ दोस्तों नहीं है, यूरोप के कई देशों की जनसंख्या मिलाकर भी 20 करोड़ नहीं है, और उससे अधिक लोग दोस्तों भारत में उत्तर प्रदेश में यहां पे निवास करते हैं, यहां पर याद करिए। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल सयाद बिल्कुल डू यू नो जी बिल्कुल, इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, इसकी पीडीएफ फाइल आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए पॉपुलेशन डेंसिटी देख लीजिए यूपी की, 829 पर स्क्वायर किलोमीटर, ये दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। यानी उत्तर प्रदेश में हर एक किलोमीटर में 829 लोग दोस्तों यहाँ पर निवास करते हैं। अगर यहाँ का सेक्स रेशियो देखेंगे, ठीक है, लिंग अनुपात देखेंगे तो 912 पर 1000, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर यहां पर 912 महिलाएं हैं, ये भी आप याद करिए। लिटरेसी रेट यहां का दोस्तों 69.72 है, जिसमें से मेल लिटरेसी जो है वो 79.24 है और फीमेल लिटरेसी जो है वो 59.26% है। ये कुछ फैक्ट दोस्तों आप लोग यहां पर याद करिए जो उत्तर प्रदेश से हैं, और यहां से आपको दोस्तों क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको यहां से देखने को मिलेंगे।
आगे बढ़े दोस्तों, जो यहाँ पे प्रिंसिपल अगर फोक लॉर्ड्स देखें कि कौन कौन से यहाँ पर किए जाते हैं, तो बिरहा है, छीती है, कजरी है, फाग है, रसिया है, आला है, पूरन भगत है और भरतहारी है। ये दोस्तों यहाँ के फोकल्सर हैं, यानी बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं उनके नाम यहाँ पर दोस्तों लिखे हुए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रिवर्स की बात करें, हम सभी को मालूम है गंगा है, यमुना है, गोमती है, राम गंगा है, घाघरा है, बेतवा है, केन है, ये सारी नदियां दोस्तों उत्तर प्रदेश में होकर बहती हैं। अगर फोक डांस की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे फोक डांस यूपी में होते हैं, कर्म पांडव है, ठीक है, चारकुला है, पाईगंडा है, थारू है, धोबिया है, राई है, शेरिया है, आदि दोस्तों ये डांसेस यहाँ पे किए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर हैं, इनको आप लोग यहाँ पर याद करिए। और बहुत सारे जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है दोस्तों, बहुत सारे जो ऐतिहासिक हैं वो भी नाम याद करिए दोस्तों। पिपरावारा है या कौशाम्बी स्थान है, श्रावस्ती है, सारनाथ है, कुशीनगर है, चित्रकूट है, लखनऊ है, आगरा है, झांसी है, मेरठ है, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक महत्व वाले जो स्थान है दोस्तों ये भी यूपी में ही है। इसको आप लोग यहां पर याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जी अंजलि जी, देखिए टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सर्च कर लीजिए एट शुभम सर, ठीक है। ये देखिए टेलीग्राम ग्रुप मेरा ये है, मैं दोबारा से लिख देता हूं यहां पर एट शुभम सर, ठीक है, SHUBHAM और आगे सर, ठीक है, टेस्ट बुक, ठीक है, इसको आप वहां पे सर्च करिए स्पेलिंग को और ये आपको चैनल यहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए कुछ बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट जिसको सुनकर दोस्तों आपको लगेगा कि हाँ यूपी वाले हैं हम, तो वाकई में हम में दम है दोस्तों। तो ये मैं कुछ फैक्ट्स आपको यहां बताने वाला हूं जो ध्यान से हम लोग सभी लोग सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर दोस्तों ये फैक्ट है जिनको मैं यहां बताने वाला हूं, आपको ध्यान सुनिए। सबसे पहला फैक्ट देखिए दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट क्या है, चौक ड्राइंग्स और डार्क रेड ड्राइंग्स बाय प्रिमिटिव मैन आर एक्सटेंसिवली फाउंड इन विंध्याचल रीजन ऑफ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। चौक आर्ट यानी चौक से बनी हुई आर्ट दोस्तों यूपी में पाई जाती है, विंध्याचल रीजन में ये पाई जाती है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हो गया है, इसको दोस्तों आप लोग यहां पर जरूर याद करिए। विंध्याचल रीजन की दोस्तों ये यहां पर पाई जाती है, इसको आप लोग यहां पर जरूर जरूर दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर दोस्तों ये हमारा बन चुका है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला देखिए, द इनसाइड धमक स्टूपा, ठीक है, धमक स्तूप जो है वो दोस्तों यहां पर पाया गया था सारनाथ में दोस्तों पाया गया था, जहां पर बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो है वो प्रवचन दिया था सारनाथ में, वो भी दोस्तों यूपी में ही है। ये आप याद करिए, बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि भगवान बुद्ध का पहला जो उपदेश हुआ था, पहला जो प्रवचन हुआ था, वो दोस्तों यूपी के सारनाथ में यहां पर हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आप सभी के लिए यहां पर आ गई है, इसको जरूर जरूर दोस्तों यहां पर याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ट द ताजमहल फॉर हिज वाइफ मुमताज महल। ये क्वेश्चन तो दोस्तों सभी को पता होगा, मुमताज महल के लिए शाहजहां ने बनवाया था आगरा का ताजमहल, ये हम सभी को मालूम है, जिसमें दोस्तों 22 साल लग गए थे, पूरे पूरे 22 साल दोस्तों बनने में लग गए थे, ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में हम सभी को यहां पर मालूम है। आगे बढ़िए, अयोध्या के बारे में दोस्तों आज कौन नहीं जानता, अयोध्या के बारे में कौन नहीं जानता, जो उत्तर प्रदेश की दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, जहां पर दोस्तों हमारे भगवान राम का जन्म हुआ था और यहीं पर दोस्तों भव्य मंदिर भी बनने वाला है। अब अलीगढ़ दोस्तों दूसरा शहर है जो दोस्तों अपने तालों के लिए बहुत फेमस है, और ये दोस्तों क्वेश्चन अपने एग्जाम में कई बार पहुंच चुका है कि तालों के लिए कौन सा उत्तर प्रदेश का शहर फेमस है, तो वो दोस्तों अलीगढ़ हो जाएगा, जो तालों के लिए दोस्तों मोस्ट फेमस शहर है, ठीक है, मोस्ट फेमस शहर जो है वो अलीगढ़ है, जहां के ताले दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा दोस्तों एक लॉयन सफारी भी है यहां पर, जो कि इटावा सिटी में बनाया गया है, जहां पर दोस्तों जो भारतीय शेर हैं उनको यहां पर लेकर आया गया है दोस्तों, गुजरात से भारतीय शेरों को दोस्तों यहां इटावा सिटी में बनने वाले लॉयन सफारी में लाके रखा गया, ताकि पर्यटन के लिए दोस्तों आगे हो सके और लोग यहां पर इसका लुत्फ ले सके दोस्तों। तो ऐसी लॉयन सफारी दोस्तों हमारे इटावा सिटी में है, ध्यान रखिएगा, इटावा सिटी में है लॉयन सफारी, ठीक है।
बिल्कुल आगे बढ़िए। यूपी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो शुगर केन एंड व्हीट, यानी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूपी। किसमें? पोटैटो आलू के उत्पादन में, शुगर केन के उत्पादन में और व्हीट यानी गेहूं के उत्पादन में। पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन दोस्तों यूपी में होता है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी में होता है और आलू का उत्पादन भी दोस्तों यहां पर यूपी में ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये बात है। एटॉमिक पावर स्टेशन भी है दोस्तों नरोरा में, हम सभी को मालूम है नरोरा में यहां पर एटॉमिक पावर स्टेशन भी है दोस्तों, तो यूपी को खास बनाता है और यूपी वालों को दोस्तों खास बनाता है। बिल्कुल यहां पर दोस्तों सारे पॉइंट हमने पढ़े, चलिए बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट है, याद करिए। हम लोग एग्रीकल्चर के मामले में दोस्तों राइस बाउल ऑफ इंडिया कहलाए जाते हैं, जो यूपी वाले हैं दोस्तों याद कर लीजिए, यूपी को भारत का राइस बॉल यानी भारत की चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है दोस्तों इकोनॉमी का और दोस्तों इसीलिए इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद कर लीजिए, एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर इन द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड इट ऑल्सो नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर याद करिए, ठीक है ना। बिल्कुल देखिए रितिका जी, जो महाराष्ट्र है वो चीनी मिलों के लिए नंबर वन पे, ठीक है, वहां पे चीनी का उत्पादन होता है नंबर वन पे, ठीक है ना रितिका जी, ये याद करिए। वहां पर गन्ने का नहीं है, गन्ना जो है वो यूपी में ही है लेकिन वहां पर चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है कि उत्तर प्रदेश की जो लॉन्गिट्यूड है लैंगिट्यूड है वो एक बार देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों वो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है, यानी अगर इसके लैटिट्यूड देखेंगे हम लोग तो लैटिट्यूड ये 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर और 31 डिग्री 28 मिनट तक है, इनके बीच में यूपी है दोस्तों, ठीक है ना, इनके बीच में कहीं पे यूपी है, याद कर लीजिए। 23 डिग्री 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर और 31 डिग्री 28 मिनट यहां तक यूपी फैला हुआ है। और अगर इसके लॉन्गिट्यूड की हम लोग बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड इसके आते हैं 77 डिग्री 3 मिनट और 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक, ठीक है, ये इसके दोस्तों यहां पर हमारे जो लॉन्गिट्यूड है वो यहां पर जाते हैं, यहां पर याद करिए, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है यहां पर, एक और क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो यूपी है दोस्तों ये नेशनल बाउंड्री 9 स्टेट के साथ शेयर करता है, पूरे पूरे 9 प्रदेश हैं, हिमाचल प्रदेश ऊपर हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट में है, इसके बाद उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद राजस्थान हो गया, ठीक है, इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हो गया और साथ में झारखंड हो गया दोस्तों। ये 9 प्रदेश हैं जो दोस्तों यूपी की सीमाओं से लगते हैं, इनको आप लोग याद करिए। सबसे ज्यादा प्रदेशों से लगने वाला जो प्रदेश है वो हमारा यूपी है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा प्रदेशों से अपनी सीमा को साझा करता है, ये आप याद करिए, एग्जाम में अपने पूछा जाता है, कई बार आया है, ये आप लोग याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा प्रदेशों से लगने वाला दोस्तों एक प्रदेश है, सबसे ज्यादा प्रदेशों से अपनी सीमा को दोस्तों साझा करने वाला प्रदेश है, इसको आप लोग दोस्तों यहां पर जरूर जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल देखा जाए तो नेपाल से दोस्तों बॉर्डर शेयर होता है, अगर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सीमा को देखा जाए तो नेपाल से दोस्तों यूपी की सीमा जो है दोस्तों वो शेयर होती है, और अगर नेशनल देखा जाएगा तो नेशनल तौर पर दोस्तों भारत जो है, उत्तर प्रदेश जो है वो 9 राज्यों से छूता है, याद कर लीजिए 9 राज्यों से इसकी सीमा लगती है और एक देश से इसकी सीमा लगती है, वो है दोस्तों नेपाल, नेपाल से इसकी सीमा दोस्तों यहां पर लगती है, याद कर लीजिए। ये नक्शे में आपको दिख रहा होगा, यहां पर 9 के 9 प्रदेश भी आपको दिख रहे होंगे, ये उत्तराखंड है, ये अपना हिमाचल हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है, यहां पर ये मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद यहां पे बिहार हो गया, बिहार के बाद छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, ये सारे प्रदेश दोस्तों आपको यहां पे दिख रहे होंगे, इस तरह के प्रदेश दोस्तों यहां पर लगते हैं। ये हरियाणा हो गया दोस्तों अपना, हरियाणा के साथ साथ पूरे 9 प्रदेश आपको देखो दिख रहे हैं यहां पर, जो 9 प्रदेश अपने अपने उत्तर प्रदेश से दोस्तों यहां पर छूते हैं, उसकी सीमाओं से दोस्तों यहां पर लगते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ऐसे ही कुछ और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ही कुछ और पॉइंट अभी सीखने हैं अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए यहां पर दोस्तों बहुत सारे नेशनल पार्क हैं,
उत्तर प्रदेश में अगर नेशनल पार्क की बात करेंगे तो दुधवा नेशनल पार्क यहां पर है, नेशनल चंबल सेंचुरी यहां पर दोस्तों सिचुएटेड है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहां पर है, इसके अलावा महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर है दोस्तों। तो ये सारी बातें आप लोग याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम में दोस्तों कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार दोस्तों एग्जाम में ये पूछे जाते रहे हैं कि अपने उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी सेंचुरी कहां कहां पर है, तो ये चारों दोस्तों आप लोग यहां पर याद करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखिए फेस्टिवल, देखिए फेस्टिवल यूपी में कौन कौन से मनाए जाते हैं। दिवाली का फेस्टिवल दोस्तों यहां मनाया जाता है, हम सभी को मालूम है महाकुंभ मेला होता है, रामनवमी होती है, जो दोस्तों बहुत ही फेमस हिंदू फेस्टिवल है, जो भगवान राम के जन्म से संबंधित है, भगवान राम के जन्म को दर्शाता हुआ है रामनवमी, ऐसे कुंभ मेला होता है दोस्तों, जो 12 वर्षों में दोस्तों एक बार लगता है और 4 जगहों पर लगता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। अगर इस वजह से यूपी की बात करेंगे तो यूपी दोस्तों देखिए अपने एक तो इलाहाबाद में यहां पर लग रहा है, ठीक है, इलाहाबाद में यहां पर दोस्तों जो है प्रयागराज में जो है वो यहां पर दोस्तों लगता है, दूसरा हरिद्वार लगता है, तीसरा नासिक है और उज्जैन में ये कुंभ लगता है, जिसमें से प्रयागराज जो है दोस्तों ये अपने यूपी में है, इलाहाबाद अपने यूपी में है, जहां पर दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। याद कर लीजिए बहुत ही फेमस ये एक हिंदू मेला है, हिंदू संतों का मेला है दोस्तों, जो काफी समय से लगाया जा रहा है और शंकराचार्य जी ने इसकी शुरुआत करी थी, तो वहां से तो उस समय से ये मनाया जाता है हर प्रति 12वें वर्ष में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखिए महाशिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, ईद है, विजयदशमी है, योगा फेस्टिवल है, ये सारे फेस्टिवल दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, ये कुछ निकनेम है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट निकनेम है, ये आप लोग याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर दोस्तों कुछ निकनेम मैं बताने वाला हूं, ये आप लोग यहां पे याद करिए। आगरा दोस्तों सिटी ऑफ ताज, बहुत ही सुंदर, ताजमहल का शहर है आगरा, जिसको दोस्तों हम लोग यहां पर सिटी ऑफ ताज के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार इलाहाबाद है दोस्तों, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज यहां पर नाम हो गया इसका, ठीक है, प्रयागराज का नाम हो गया है, संगम सिटी दोस्तों कहते हैं इसको और एबट ऑफ गॉड इसको कहा जाता है। संगम सिटी क्यों कहते हैं, 3 नदियां दोस्तों यहां पर आके मिलती हैं, 3 नदियों का संगम है दोस्तों, उसी संगम की वजह से इसे संगम स्थल भी कहते हैं, यानी संगम सिटी भी दोस्तों यहां पर कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती, ये मूवी भी है दोस्तों बॉलीवुड में, गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम दोस्तों जो है वो अपने प्रयागराज में है, याद कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों कन्नौज को हम लोग ग्रास ऑफ द ईस्ट कहते हैं, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया और हर्षवर्धन सिटी, 3 नामों से जाना जाता है अपना कन्नौज, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, ग्रेसेस ऑफ द ईस्ट और हर्षवर्धन सिटी, ये 3 नामों से दोस्तों कन्नौज को हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कानपुर को, इसी प्रकार हम लोग कानपुर को यहां पर लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं और मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जानते हैं कानपुर सिटी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करिए दोस्तों इस पूरी चीज को। साथ में लखनऊ की बात करें, लखनऊ को हम लोग सिटी ऑफ नवाब भी कहते हैं, शिराज़े हिंद भी कहते हैं और कॉन्स्टेंटिपोल ऑफ द ईस्ट भी दोस्तों यहां पर कहा जाता है अपने लखनऊ को, ये सारे नाम दोस्तों याद करिए। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है और ओल्डेस्ट सिटी भी दोस्तों यही है, याद कर लीजिए, ओल्डेस्ट सिटी, सबसे पुरानी सिटी जो है, सबसे पुराना शहर जो है दोस्तों वो भी यहां पर जो है ये वाराणसी हो जाता है, याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों शहर है अपना वाराणसी, ठीक है ना। किशन जी बहुत बढ़िया, कानपुर से यहां, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बात करते हैं, देखिए कुछ यहां पर देखिए कुछ फैक्ट्स मैं आपको और बता दूं, अब मेरी बात को समझिए। उत्तर प्रदेश देखिए पहला ऐसा शहर माना जाता है, पहला ऐसा प्रदेश माना जाता है जहां पर दोस्तों ह्यूमन सेटलमेंट, यानी पहली बार जो मानव ने रहना शुरू किया था, मानव ने अपनी बस्तियां बनाना शुरू किया था, वो आज से 70-80 हजार वर्ष पहले यूपी में ही दोस्तों शुरू किया था। दे लिव्ड एज द हंटर गैदरर्स एंड स्प्रेड ऑल अक्रॉस द रोड, यानी दोस्तों यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहली बार इंसानों ने रहना शुरू किया था, ऐसा भी माना जाता है। और पहला रिकॉर्ड जो है मानव बस्ती का वो दोस्तों यूपी से ही मिलता है 70-80 हजार वर्ष पहले। इसके बाद दोस्तों देखिए यहां पर बहुत सारे धार्मिक शहर हैं, मैं आपको बता दूं कि एक किंगडम था, एक कोसला किंगडम था, कोशल किंगडम था, कोशल, उस कोशल किंगडम की जो राजधानी थी अयोध्या, वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही है जहां पे भगवान राम का जन्म हुआ था।
ऐसे ही दोस्तों एक और महाजनपद था जिसका नाम था मथुरा, ठीक है, वहां पर दोस्तों भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों ही जो भगवान के रूप है, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश से दोस्तों यहाँ पर संबंधित है, और दोनों के दोस्तों जो यहाँ पर प्लेसेस हैं वो भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में, याद कर लीजिएगा। कौशल साम्राज्य की राजधानी था अयोध्या, जहां पर दोस्तों भगवान राम का जन्म हुआ था, और मथुरा एक और दोस्तों महाजनपद था जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म दोस्तों हो गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, यहां उत्तर प्रदेश में देखिए एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कई सारे और भी साम्राज्य रहे हैं, चाहे वो मगध साम्राज्य हो, नंद साम्राज्य हो, मौर्य साम्राज्य हो, कुषाण साम्राज्य हो, शुंग साम्राज्य हो, या फिर मुगल्स हो, इन सबका दोस्तों उत्तर प्रदेश में यहां पर रहा है काम। और यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष पाया जाता है जिसे हम लोग दोस्तों पारिजात ट्री कहते हैं, परिजात का वृक्ष दोस्तों कहते हैं, जिसको हम लोग स्वर्ग का वृक्ष कहते हैं। दोस्तों माना जाता है कि इस परिजात ट्री को भगवान कृष्ण जो है वो स्वर्ग से लेकर आए थे, और उन्होंने दोस्तों यहां पर उत्तर प्रदेश में इसको लगाया था। तो परिजात का दोस्तों जो ये ट्री है ये भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, इसको आप लोग यहां पर याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बन गया है। आगे बात करें दोस्तों, बहुत सारी यहां पर लैंग्वेजेस हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अवधी यहां बोली जाती है, भोजपुरी यहां बोली जाती है, ब्रजभाषा यहां बोली जाती है, बुंदेली है, कन्नौजी है, और भी कई प्रकार की भाषाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा दोस्तों बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी यहां की जो है दोस्तों वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आप लोग याद करिए, हिंदी यहां पर ऑफिशियल है और बाकी सभी भाषाएं भी दोस्तों यहां पर बोली जाती हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश के कई नाम भी यहां पर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई सारे नाम भी यहां पर रहे हैं। 22 मार्च 1902 को स्टेट को दोस्तों नाम मिला था यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। उसके बाद दोस्तों जनवरी 21 में इसको यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम दिया गया, और उसके बाद दोस्तों 1937 में इसको नाम दिया गया यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी संयुक्त प्रदेश। इसके बाद दोस्तों भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को दोस्तों यहां पर देखिए क्या नाम मिला इसको, उत्तर प्रदेश नाम मिला, और उसके बाद दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को यहां से अलग कर दिया गया, यानी उत्तराखंड को अलग प्रदेश दोस्तों 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश में दोस्तों काटकर बनाया गया था। साथ ही बात करें दोस्तों, बहुत सारे लीजेंडरी आर्टिस्ट हैं जो अपने यूपी से संबंधित हैं, चाहे वो नौशाद अली हो, बेगम अख्तर हो, तलत मोहम्मद हो, अनु जलोटा हो, बाबा सहगन हो, बिस्मिल्ला खान हो, सुभा मुगदल हो, रविशंकर हो, अमिताभ बच्चन हो, विकास महाराज हो, ऐसे बहुत सारे के तमाम तरह के जो आर्टिस्ट हैं दोस्तों वो यूपी से ही संबंधित है, ये आप याद करिए। और यही दोस्तों कुंभ का मेला भी लगता है, कुंभ का मेला जो मैंने आपको बताया कि प्रयागराज में दोस्तों यहां पर लगता है प्रत्येक 12 वर्ष बाद, प्रयागराज के साथ साथ उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, ये तीनों प्रदेश अलग अलग हैं, तीनों जगह अलग अलग हैं, और उसमें से एक जगह दोस्तों प्रयागराज जो है ये यूपी में दोस्तों पाई जाती है, ये आप लोग यहां पर याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर दोस्तों है। आगे बढ़ते हैं और भी तमाम तरह के फैक्ट देखते हैं दोस्तों। 9 प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, देखिए 9 प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश से जीत कर दोस्तों प्रधानमंत्री बने, याद करिए 9 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए हैं अभी तक जो उत्तर प्रदेश की सीट से जीत कर ही दोस्तों क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो जो कि फूलपुर की सीट से लड़ते थे, लाल बहादुर शास्त्री हो जो कि इलाहाबाद से लड़ते थे, इंदिरा गांधी हो जो कि रायबरेली से लड़ती थी, चौधरी चरण सिंह हो जो बागपत से लड़ते थे, राजीव गांधी हो जो अमेठी से लड़ते थे, वीपी सिंह हो जो फतेहपुर से लड़ते थे, चंद्रशेखर हो जो बलिया से लड़कर प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से लड़कर प्रधानमंत्री बने, और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये वाराणसी से सांसदी का चुनाव लड़कर जीते और दोस्तों प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे 9 प्राइम मिनिस्टर जो है दोस्तों वो भी यूपी से ही आते हैं, याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर देने वाला स्टेट भी दोस्तों यूपी ही है। दोस्तों गौतम बुद्ध की बात कीजिए, मैंने पहले आपको बताया भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था दोस्तों वो यहां पर सारनाथ विलेज में दिया था, सारनाथ में दिया था। ये सारनाथ कहां पर है, तो वाराणसी जिले में दोस्तों स्थित एक गांव है ये सारनाथ, जहां पर गौतम बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध ने दोस्तों यहां पर क्या दिया था, अपना पहला उपदेश यहां पर दे दिया था, याद करिए। देखिए ऋतिका सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से ही सांसदी का चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, ठीक है, हाँ वो गुजरात से जरूर है बट उन्होंने सांसदीय चुनाव जो था वो वाराणसी से लड़े हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल अनामिका जी, गुजरात के हैं वो, लेकिन सांसदी का चुनाव वाराणसी लड़ा था। यहाँ पर पॉइंट यही था कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर कितने प्रधानमंत्री बने, तो 9 प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल अनामिका, गुजरात के ही है वो। चलिए तो दोस्तों ध्यानचंद की बात कर लीजिए, विजार्ड ऑफ हॉकी, इन्हीं के नाम पर दोस्तों अभी क्या किया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी बनाया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। तो ये ध्यानचंद जो है दोस्तों भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये भी दोस्तों इलाहाबाद से ही बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद से ही बिलोंग करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पॉइंट देखते हैं, और पॉइंट देखते हैं यूपी के बारे में। दोस्तों ये सारे पॉइंट हमने देखे, दोस्तों ये सारे पॉइंट हमने देखे हैं, ये सारे पॉइंट दोस्तों यूपी को जरूर खास बनाते हैं। चाहे हम मेजर प्लेसेस की बात कर लें तो भी यूपी दोस्तों अपने आप में एक अकेला है, अगर यहां से पर्सनैलिटीज की बात कर लें तो भी अपने आप में अकेला है, या यूं कहें दोस्तों यूपी हर मामले में हर जगह दोस्तों आगे पहुंच रहा है। अगर भारत की इकोनॉमी की बात करें तो चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश भी है। अगर अपने यूपी की इकोनॉमी देखें दोस्तों तो चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश भी है, और सबसे ज्यादा फेमस पर्यटन स्थल भी दोस्तों है। पूरे भारत में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं वो यूपी में ही दोस्तों घूमने आते हैं। कई सारी जगह हैं, ताजमहल है, वाराणसी है, मथुरा है, वृंदावन है, अयोध्या है, और भी तमाम सारी जगह है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, ये सभी जगह दोस्तों भारत में घूमने आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यूपी वाकई में दोस्तों हमारी एक महान प्रदेश के रूप में यहाँ पर स्थिति को दर्शाता है, एक महान प्रदेश के रूप में दोस्तों यहाँ पर यूपी जो है वो यहाँ पर हमको दर्शाता है। तो अगर हम यूपी से हैं दोस्तों तो अपने ऊपर यहां पर गर्व हम लोग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यूपी दोस्तों अपने आप में बहुत ही महान प्रदेश दोस्तों है। बिल्कुल चलिए, तो अगली बात दोस्तों एक बात लास्ट में बता दूं मैं फिर से आपको कि आप सभी लोग यहां पर दोस्तों मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, @shubhamsir_testbook। इसको फायदा ये है दोस्तों कि यहां पर आपको सारी पीडीएफ फाइल मिलनी, जितनी भी पीडीएफ फाइल आपको मिलनी है वो सारी यहीं पर मिलनी है @shubhamsir_testbook पर। इसको अभी टेलीग्राम पर जाकर दोस्तों सर्च कीजिए और तुरंत इसको यहां पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर दोस्तों लेटेस्ट एग्जाम की जानकारी भी मैं आपको दूंगा, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सबकी यहां पर जानकारी दूंगा, जितने भी के डाउट्स हैं वो आप मेरे साथ यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, और जितने भी आपको इंटरेक्शन करने हैं मुझसे डायरेक्टली वो भी आप यहां पर दोस्तों कर सकते हैं। तो आज अभी इसी वक्त दोस्तों ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का मेरा, ताकि आपको सारी न्यूज़ यहां पर दोस्तों मिलती रहे। चलिए तो दोस्तों ये सीरीज हम लोग लगातार जारी करेंगे, आज हमने यूपी करा है दोस्तों, कल हम लोग बिहार के बारे में जानेंगे, क्यों एक बिहारी को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, क्यों एक बिहारी सब पर भारी होता है, ये बात दोस्तों कल के लेक्चर में करेंगे डिस्कस। तो देखना मत भूलिए कल सुबह 8:30 बजे दोस्तों इसी सीरीज का अगला पार्ट जो कि बिहार से दोस्तों होगा, याद करिए इस चीज को और सारे क्वेश्चन को याद करके दोस्तों आगे बढ़िए। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा, मिलूंगा आपसे कल सुबह 8:30 बजे, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए, और दोस्तों आलस्य से दूर रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों विदा लूंगा आपसे, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।